हेलो दोस्तों, तो चलिए हम बात करते हैं अब अर्थव्यवस्था से संबंधित करंट अफेयर्स देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के प्रमुख बिंदु देखते हैं हम लोग। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 4 जुलाई 2019 को संसद के समक्ष आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 प्रस्तुत किए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। यह नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्ण बी मूर्ति सुब्रमण्यम द्वारा तैयार किया गया पहला आर्थिक सर्वेक्षण है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 का विषय रहा है 2024-25 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक ले जाने के लिए प्रयास में परिवर्तन। 2024-25 तक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 8% होनी चाहिए। धारणीय विकास के लिए बचत, निवेश और निर्यात के मजबूत चक्र को उत्प्रेरित करने और उससे अनुकूल जनसांख्यिकी चयन में समर्थन देना आवश्यक है। आत्मनिर्भर मजबूत चक्र के लिए मुख्य घटक है आंकड़ों को सार्वजनिक भलाई के लिए प्रस्तुत करना, कानूनी सुधारों पर जोर देना, नीतियों को अपरिवर्तित करना रखना, व्यवहार अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना, अधिक नौकरियां पैदा करने और अधिक सृजनशील बनने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को पोषण प्रदान करना, पूंजी की लागत कम करना, निवेशों पर जोखिम वापसी, सामाजिक परिवर्तन और परिवर्तन के लिए व्यवहार अर्थव्यवस्था। सर्वेक्षण में नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड थेलर के व्यवहार अर्थशास्त्र सिद्धांत की मदद लेकर व्यवहार परिवर्तन के लिए महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई है, जिससे सामाजिक परिवर्तन आएगा, जो बदले में भारत को 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में मदद करेगा। असल जिंदगी में लोगों द्वारा लिए गए निर्णय क्लासिकल अर्थशास्त्र में अव्यवहारिक परिकल्पित निर्णय से अलग होते हैं। सामाजिक परिवर्तन हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार करने के लिए व्यवहार अर्थशास्त्र की अंतर्दृष्टि का इस्तेमाल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में बदलाव, बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, स्वच्छ भारत से सुंदर भारत, एलपीजी गैस सब्सिडी गिव इट अप की जगह सब्सिडी के बारे में सोच, कर चोरी से कर अनुपालन, प्रोत्साहन सिद्धांत के बारे में बात करें तो अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड थेलर ने व्यवहार अर्थशास्त्र में अपने योगदान के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2017 नोबेल पुरस्कार जीता था। नोज थ्योरी के अनुसार लोगों को मजबूर करने के बजाय उन्हें कोई इच्छित निर्णय लेने के लिए मनाने अथवा रोकने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया जा सकता है। लोगों के किसी खास तरह से व्यवहार नहीं करने पर उन्हें दंड देने का समर्थन नहीं करता, बल्कि एक इच्छित निर्णय लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की बात करता है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव बहुत बुद्धिमान नहीं होते हैं, लेकिन इसलिए आगे बढ़ते रहने और अपने देश और अपने समाज के सर्वश्रेष्ठ करने के लिए उन्हें अक्सर अक्सर एक सहारे, प्रोत्साहन या सहभागिता की रूप की जरूरत होती है। अगला है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास के लिए नई नीतियां। यह सर्वेक्षण डिवार्फ कंपनी के मामले में सहभागिता के महत्व को रेखांकित करता है। डिवार्फ ने वे कंपनियां हैं जो 10 साल से अधिक पुरानी होने के बावजूद भी 100 से कम कर्मचारियों के भरोसे पर चल रही हैं। सभी संगठित क्षेत्र में ऐसी कंपनियों का प्रतिशत संख्या की दृष्टि से 50% ज्यादा है। रोजगार में डिवार्फ का योगदान केवल 14% है और उत्पादकता में यह योगदान मात्र 8% है। बड़ी कंपनियों का रोजगार में 75% और उत्पादकता में 90% योगदान है, जबकि संख्या की दृष्टि से इनकी संख्या मात्र 15% है। न्यूनतम आय तंत्र और समावेशी विकास। यह सर्वेक्षण कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करने और गरीबी खत्म करने के उद्देश्य से एक सुनियोजित न्यूनतम आय तंत्र की पेशकश करता है।
यह सर्वेक्षण पारिश्रमिक विधेयक संहिता में प्रस्ताव अनुसार न्यूनतम आय के बजाय वाजिब बनाने का समर्थन करता है। अगला, सभी कर्मचारियों को न्यूनतम पारिश्रमिक वर्तमान परिदृश्य। भारत में सभी राज्यों में विभिन्न अनुसूचित कार्य श्रेणियों के लिए वर्तमान न्यूनतम पारिश्रमिक 1915 रुपये। भारत में प्रत्येक 3 में से एक कर्मचारी न्यूनतम पारिश्रमिक कानून की सहायता से वंचित है। भारत में भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर न्यूनतम पारिश्रमिक का निर्धारण। इस सर्वेक्षण को सुझाव है कि केंद्र सरकार को राष्ट्रीय आधार न्यूनतम पारिश्रमिक घोषित करना चाहिए जो 5 भौगोलिक क्षेत्रों में भिन्न हो सकता है। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारित करने के मानदंड। इस सर्वेक्षण का सुझाव है कि पारिश्रमिक विधेयक के नियमों को 2 में से किसी एक कारक अथवा दोनों के आधार बनाकर न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारित करने का विचार निर्धारित करने पर विचार करना चाहिए। ये 2 कारक हैं, कौशल श्रेणी, अकुशल, अर्ध कुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल। बी में है भौगोलिक क्षेत्र सीमा। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश राज्य ने केवल 4 कौशल स्तर जैसे अकुशल, अर्ध कुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल के आधार पर न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारित किया है। राज्य में 4 कौशल श्रेणियों के लिए केवल 4 आधारभूत न्यूनतम पारिश्रमिक हैं। सस्ती भरोसेमंद और निरंतर ऊर्जा के जरिए समावेशी विकास को समर्थ बनाना। आज भारत में पवन ऊर्जा में चौथे और सौर ऊर्जा में पांचवें और नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने क्षमता के आधार पर 5वें स्थान पर। भारत में इलेक्ट्रिक कारों का हिस्सा मात्र 0.06% है, जबकि चीन में यह अंश 2% और वही नॉर्वे में यह 39% है। अभी भी तापीय विद्युत शक्ति का योगदान 60% है भारत में। 2018-19 की आर्थिक स्थिति की बात करें तो भारत 2018-19 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है। वर्ष 2018-19 में जीडीपी वृद्धि दर 2017-18 के 7.2% के मुकाबले 6.8 पर है। वर्ष 2018-19 में मुद्रा स्फीति को 3.4 पर स्थिर रखा गया। सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में गैर निष्पादनकारी संपत्तियों का जीडीपी में योगदान 2017-18 में 11% की तुलना में 2018-19 में घटकर 10.1% हो गया। चालू घाटे को जीडीपी का 2.1% पर रखा गया। केंद्र सरकार का वित्तीय घाटा वर्ष 2017-18 3.5% से घटकर 2018-19 में 3.4 पर पहुंच गया। वित्तीय विकास की बात करें तो वर्ष 2018-19 सकल घरेलू उत्पाद 3.4% घाटे और 44.5% ऋण जीडीपी अनुपात के साथ समाप्त हुआ। धारणीय विकास एवं जलवायु परिवर्तन की। भारत का एसडीजी इंडेक्स स्कोर राज्यों के लिए 42 से 69 के बीच और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 57 से 68 के बीच है। केरल और हिमाचल प्रदेश राज्यों में 69 अंकों के साथ सबसे आगे है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, पुडुचेरी को अंक क्रमशः 68 और 65 है। एसडीजी 6 लक्ष्यों को प्राप्ति को प्राथमिकता देते हुए नमामि गंगे मिशन की शुरुआत एक प्रमुख नीति के रूप में हुई थी, जिसमें वर्ष 2015 से 20 के लिए 20,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था। बाहरी क्षेत्रों की बात करें तो विश्व व्यापार संगठन के अनुसार वर्ष 2018 के वैश्विक व्यापार वृद्धि वर्ष 2017 की 4.6% के मुकाबले 3% तक कम हो गई है। शीर्ष निर्यात वस्तुओं अभी भी पेट्रोलियम कीमती पत्थर, दवाइयां, सोना, अन्य कीमती धातुएं। शीर्ष आयात वस्तुओं में अभी कच्चा तेल, मोती, कीमती और थोड़ी कीमती पत्थर और सोना। भारत के प्रमुख व्यापार साझेदारी अभी भी अमेरिका, चीन, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब बने हुए। कृषि और खाद्य प्रबंधन की बात करें तो डेयरी, क्योंकि भारत सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। मत्स्य क्षेत्र, क्योंकि भारत मछलियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 89% भूतल जल का इस्तेमाल सिंचाई उद्देश्य होता है। शून्य बजट प्राकृतिक कृषि सहित जैविक और प्राकृतिक कृषि तकनीक, जल के प्रभावी उपयोग और मृदा उपजाऊता दोनों बेहतर कर सकती है।
शून्य बजट प्राकृतिक कृषि का परिचय। शून्य बजट प्राकृतिक कृषि के नाम से स्पष्ट है कि इस कृषि में पौधों का को लगाने और बड़ा करने की लागत शून्य होती है। इसका अर्थ है कि किसानों को फसलों के स्वस्थ बनाए रखने के लिए उर्वरक और कीटनाशकों को नहीं खरीदना पड़ेगा। सरल शब्दों में आपको बताएं, यह प्राकृतिक कृषि तकनीक है जो रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर जैविक कीटनाशकों का उपयोग करती है। इसमें किसान फसलों की रक्षा के लिए केंचुए, गाय के गोबर, पेशाब पौधे, मानव मल, दूसरे जैव वैज्ञानिक उर्वरकों को इस्तेमाल करते हैं। यह किसानों के निवेश को बचाता है और मृदा की उपजाऊता को भी सुरक्षित रखता है। शून्य बजट के प्राकृतिक खेती के लिए पारंपरिक रासायनिक और जैविक कृषि की तुलना में केवल 10% जल और 10% बिजली की आवश्यकता होती है। उद्योग और अवसंरचना की बात करें तो वर्ष 2018-19 में 8 प्रमुख उद्योगों में कुल 4.3% की कुल वृद्धि दर्ज हुई है। विश्व बैंक कार्य व्यवसाय रिपोर्ट डूइंग बिजनेस 2019 के आकलन के अनुसार 190 देशों की में भारत की स्थिति 2018 के मुकाबले 23 स्थान बेहतर होकर 77वीं हो गई है। वर्ष 2018-19 में भारत में कुल टेलीफोन कनेक्शन 118.34 करोड़ हो गए। सेवा क्षेत्र की बात करें तो भारत में जीबीए में सेवा क्षेत्र का योगदान 54.3% है। इसमें 2018-19 में जीबीए वृद्धि में आधे से अधिक का योगदान दिया गया। रोजगार सेवा क्षेत्र का योगदान वर्ष 2017 में 34% है। सामाजिक संरचना और रोजगार मानव विकास की बात करें तो सरकारी व्यय सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य क्षेत्र में वर्ष 2014-15 में 1.2% के मुकाबले वर्ष 2018-19 में 1.5% की वृद्धि हुई है। इस अवधि के लिए दौरान शिक्षा के लिए 2.8 से बढ़कर 3% हो गई है। अब सितंबर माह की बात करते हैं, सितंबर 2019 की, तो TN मनोहरन समिति ने एक ऋण अनुबंध रजिस्ट्री बनाने की सिफारिश की है। कैनरा बैंक के अध्यक्ष TN मनोहरन की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय टास्क फोर्स ने 3 सितंबर को RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने टास्क फोर्स का गठन किया है। इसने खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सूचना विषमता को दूर करने हेतु ऋण अनुबंध रजिस्ट्री बनाने की सिफारिश की है। रिपोर्ट द्वितीयक बाजार ऋणों की नीलामी बिक्री प्रक्रिया का संचालन करने हेतु ऑनलाइन ऋण बिक्री मंच की स्थापना की भी सिफारिश करता है। अगला हमारा, मोदी ने रूस के लिए एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी लॉन्च की, $1 बिलियन समर्थन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी लॉन्च की और भारत सुदूर पूर्वी क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने हेतु रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। नरेंद्र मोदी ने संसाधन समृद्ध क्षेत्र में के विकास हेतु $1 बिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। बात करते हैं अब अगला, स्वर्ण भंडार में शीर्ष 10 देशों में भारत है। विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार भारत कुल स्वर्ण भंडार के मामले में 10वें स्थान पर है। भारत ने नीदरलैंड को पीछे छोड़ते हुए कुल स्वर्ण भंडार के मामले में शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल हो गए। भारत 618.2 टन का कुल स्वर्ण भंडार नीदरलैंड के 612.5 टन के भंडार से थोड़ा अधिक है। 8,133.5 टन के स्वर्ण कुल स्वर्ण भंडार के साथ अमेरिका शीर्ष पर है। इसके बाद जर्मनी 3,366.8 टन के साथ दूसरे स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 2,451.8 टन की होल्डिंग के साथ तीसरे स्थान पर है। सूची में अन्य देश इस प्रकार हैं, भारत 10वें पे, इटली 4वें पे, फ्रांस 5वें पे, रूस 6वें पे, चीन 7वें पे, स्विट्जरलैंड 8वें पे और जापान है 9वें पे। सबसे पहले मिला है अशोक लीलैंड हैवी ड्यूटी टैंकों को BS6 विमानन। वाणिज्यिक वाहन प्रमुख अशोक लीलैंड ने घोषणा की कि BS6 उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के हेतु उसके सभी हैवी ड्यूटी वाले ट्रकों की पूरी श्रृंखला को अपग्रेड किया गया जो 1 अप्रैल 2020 से लागू होंगे। अब बात करते हैं अगस्त 2019 की बात, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्टार्टअप्स के लिए 5 सदस्यीय विशेष सेट
स्टार्टअप सेल बनाने की घोषणा की है। स्टार्टअप सेल एंजल कर और अन्य कर से संबंधित मुद्दों के साथ स्टार्टअप्स की शिकायतों का समाधान करेगा। स्टार्टअप संस्थाएं अपनी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सेल से संपर्क कर सकती हैं। स्टार्टअप सेल बोर्ड के सदस्य आयकर और कंप्यूटरीकरण के क्षेत्र में होगा। CBDT द्वारा स्टार्टअप सेल का गठन निम्नलिखित पूर्व अधिकारियों के तहत किया गया, इसमें सदस्य आयकर और कंप्यूटरीकरण, अध्यक्ष, संयुक्त सचिव, कर नीति कानून सेकंड सदस्य, IT के आयुक्त सदस्य, निदेशक सचिव सदस्य, अपर सचिव सदस्य। अगली बात करते हैं, भारत का 33% कुशल युवा बेरोजगार। आधिकारिक सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय कृति दर सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा संचालित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2017-18 के इकाई स्तर के आंकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि भारत का 33% कुशल युवा बेरोजगार है। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद प्राप्त करने वाले 10 में से 4 युवा स्वयं बल से बाहर हैं। युवा कौशल महिलाओं का 3/5 हिस्सा स्वयं से बाहर है। युवा कौशल महिलाओं का 3/5 हिस्सा स्वयं से बाहर है। पिछले वर्ष के दौरान प्रशिक्षण पूरा करने वाले नए प्रशिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की दर 40% से अधिक है। प्रशिक्षण प्राप्त युवा आबादी का एक बड़ा हिस्सा IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, यांत्रिक क्षेत्र से था। 2017-18 में सिर्फ 1.8% लोगों को औपचारिक प्रशिक्षण मिला। इसी के साथ कवरेज एक और चुनौती बन गई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है, जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग संबंधी कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है और उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करेगा। पूर्व शिक्षण अनुभव या कौशल प्राप्त व्यक्तियों का आकलन, आकलन किया जाएगा और पूर्व शिक्षण की मान्यता के तहत उन्हें प्रमाणित भी किया जाएगा। अगला, केंद्र ने NBFC के लिए 1 ट्रिलियन रुपए क्रेडिट गारंटी देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। यह उन आवास वित्त कंपनियों सहित वित्तीय रूप से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की बोली में मदद करने के लिए जो चूक के शेयरों के बाद तनाव का सामना कर रहे होते हैं। केंद्र सरकार ने आंशिक गारंटी योजना के दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें 1 ट्रिलियन रुपये अधिक मानक परिसंपत्ति मूल शामिल है, जिसके तहत राज्य संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से 31 मार्च 2019 तक उत्पन्न उच्च दर कुल संपत्ति खरीद सकते हैं। गारंटी केंद्र सरकार PSB को 10% तक की पहली हानि के लिए एक मुश्त 6 महीने की आंशिक क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगी। मानदंड, परिसंपत्तियों के पूल की क्रेडिट दर कम से कम AA या उचित मूल्य के बराबर होनी चाहिए। उस दर से नीचे की परिसंपत्तियां इस गारंटी के तहत योग्य नहीं होंगी। टिकट मूल, राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ पंजीकृत RBI या HFC के साथ पंजीकृत NBFC केवल पात्र होंगे। उन्हें 31 मार्च 2019 तक अपनी मानक संपत्ति का सर्वोत्तम 20% परिसमाप्त किया होना चाहिए, जो अन्यथा 5,000 करोड़ रुपए की अधिकतम पूंजी के अधीन के रूप में आयता प्राप्त करता है। CRAR और CAR का अनुपात दिशा निर्देश यह है कि निर्धारित करते हैं कि HFC के NBFC और CAR पूंजी पर्याप्तता अनुपात की CRAR जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात क्रमशः 15% और 12% के बिना विनियामक न्यूनतम से नीचे नहीं होने चाहिए और शुद्ध गैर निष्पादित परिसंपत्ति 6% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि बैंक की ब्याज और मूलधन की किस्त 90 दिनों के लिए अति देय बनी रहती है तो बैंक किसी परिसंपत्ति को चूक मान सकते हैं। पृष्ठभूमि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने FY20 बजट में इस योजना की घोषणा की है।
अगला है, एएनजी ने वित्त वर्ष 2015 में भारत की जीडीपी वृद्धि को 6% तक घटाया, सॉरी 2019 से है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बैंकिंग समूह की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.2% बढ़ने की उम्मीद है। इसने मार्च 2021 के अपने पूर्वानुमान को भी 7.1 से घटाकर 6.5 कर दिया। अगली बात करते हैं, सेबी स्मार्ट शहरों को मुनि मुनि बॉन्ड के माध्यम से धन जारी करने की अनुमति देने के लिए मानदंडों का शिथिल करेगा। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मुनि ब्रांड के लिए अपने मानदंडों का आसान बनाने की योजना बना रहा है, ताकि शहर की योजना और शहरी विकास के क्षेत्रों में कार्य करने वाले स्मार्ट शहरों और अन्य पंजीकृत संस्थाओं को नगर पालिका की तरह कार्य करने और उनके ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने और सूचीबद्ध करने के माध्यम से धन जुटाने में मदद मिल सके। भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड ने 5 साल पहले नगर निगमों द्वारा ऋण प्रतिभूतियों और सूचीबद्धता और निर्गम नियमन में संशोधन किया, और उसके बाद से 7 नगर निगमों ने ऋण प्रतिभूतियां जारी कर करीब 1400 करोड़ रुपए जुटाए, जिसे जिन्हें आमतौर पर मुनि बॉन्ड बॉन्ड कहा जाता है, के भी संयुक्त मंच का व्यापार किया जाएगा। अगला है, अखिलेश रंजन समिति विशेषज्ञों के एक समूह ने 19 अगस्त 2019 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के विधायक सदस्य अखिलेश रंजन, जिन्हें नवंबर 2018 में वित्त मंत्रालय द्वारा टास्क फोर्स का संयोजक नियुक्त किया गया था, की अध्यक्षता में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री को आयकर अधिनियम को एक नए प्रत्यक्ष कर के साथ बदलने के लिए रिपोर्ट सौंपी। अगला है हमारा, केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया के पहल को मजबूत करने के उद्देश्य से रक्षा खरीद की प्रक्रिया को संशोधित और संरेखित करने के लिए एक 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इस पैनल की अध्यक्षता महानिदेशक करेंगे। अगला हमारा, इंजेती श्रीनिवास समिति ने गमिक सामाजिक उत्तरदायित्व की सीएसआर की एक उच्च स्तरीय परिचालन समिति इंजेती श्रीनिवास की अध्यक्षता में नए गमिक मामलों के सचिव ने सीएसआर व्यय को कर कटौती युक्त बनाने की सिफारिश की है, और सीएसआर मानदंडों का पालन न करने को नागरिक अपराध माना है। समिति यह भी सिफारिश करती है कि यदि कंपनियों की तरफ की सीएसआर 50 लाख रुपए से कम है तो कंपनियों को सीएसआर समिति का गठन करने से छूट दी जा सकती है। अब बात करते हैं हम लोग जुलाई 2019 की आर्थिक करंट के बारे में। भारत का पहला सतत विकास लक्ष्य डैशबोर्ड पेश हुआ है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए एजेंडा 2030 में देश की प्रगति पर प्रभावी ढंग से नजर रखने के लिए भारत के पहले सतत विकास लक्ष्य डैशबोर्ड को पेश किया है। यह प्रोफेसर पीसी महाल नोविस के जन्मदिन, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून के अवसर पर पेश किया गया था। यह एक अनूठा खोज योग प्लेटफॉर्म है जो एसडीजी पर भारत की प्रगति पर आंकड़े और अंतर्दृष्टि दृष्टि प्रदान करता है। एसडीजी डैशबोर्ड को संयुक्त राष्ट्र भारत अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग और डेटा इंटेलिजेंस फर्म सोशल कॉप्स की भागीदारी से विकसित किया गया। अगली बात करते हैं, सरकार ने वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य सेवाओं के खर्च को जीडीपी का 2.5% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार ने पिछले 20 वर्षों में व्यय में वृद्धि के कारण वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य सेवाओं के खर्च को देश की जीडीपी का 2.5% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। बजट 2019 रक्षा बजट के लिए 3.18 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। केंद्रीय बजट में वर्ष 2019-20 के लिए पिछले साल के 2.98 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 3.18 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगला, संसद ने आधार और अन्य कानून विधेयक संशोधन विधेयक 2019 पारित किया है। 8 जुलाई 2019 को संसद ने आधार और अन्य कानून विधेयक 2019 पारित किया, जो उपयोगकर्ताओं को बैंक खाते खोलने और मोबाइल फोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आधार के स्वैच्छिक उपयोग को पहचान प्रमाण पत्र के रूप में अनुमति देता है।
आधार भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है। यह संख्या भारत में कहीं भी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में काम करेगी। अगर निजी संस्थाएं आधार डेटा प्रावधान का उल्लंघन करती हैं तो उन्हें 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और जेल की सजा होगी। विधेयक में टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत स्वैच्छिक आधार कार्ड पर KYC नो योर कस्टमर प्रमाणीकरण के लिए आधार संख्या का उपयोग प्रदान किया गया है। अंग्लिया भारत AIIB स्थानीय मुद्रा कोष का पहला प्राप्तकर्ता होगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एवं इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा भारत स्थानीय मुद्रा वित्त पोषण का पहला प्राप्तकर्ता होगा। स्थानीय मुद्रा वित्त पोषण का उद्देश्य उधारकर्ताओं को अधिक विकल्प प्रदान करना है। भारत 7.5% हिस्सेदारी के साथ AIIB का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। इसने विभिन्न परियोजनाओं के लिए अब तक लगभग $2 बिलियन का धन प्राप्त किया है। चीन में 20.06 और रूस में 5.92% मुख्यालय का इसका बीजिंग चीन में। भारत का चालू खाता घाटा 2018-19 में $68 बिलियन तक पहुंचा है। IMF के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत का चालू खाता घाटा 2018-19 में $68 बिलियन से बढ़कर 2017-18 में 49 बिलियन हो गया। अरे 2018-19 में 68 बिलियन हो गया है और 2017-18 में था 49 बिलियन। अब बात करते हैं सिडबी ने AFFS के से योगदान के लिए वेब आधारित एप्लीकेशन सिस्टम की शुरुआत की है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स से योगदान के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन प्रणाली शुरू की है। नए वेब आधारित एप्लीकेशन सिस्टम का उद्देश्य वित्तीय वर्तन काल में सुधार करना, पारदर्शिता को बढ़ाना है। रिलायंस जियो भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी है। जियो रिलायंस 331.3 मिलियन ग्राहकों के साथ भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी बन गई है। वह वोडाफोन और आइडिया से आगे निकल गई है, जिसका ग्राहक आधार 30 जून 2019 को समाप्त तिमाही में 320 मिलियन था। एयरटेल तीसरे स्थान पर पहुंच गई और राज्य स्वामित्व वाली भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL चौथे स्थान पर। तो पहले पे रिलायंस, दूसरे पे रिलायंस जियो पहले पे, और फिर दूसरे पे हमारी वोडाफोन आइडिया, तीसरे पे एयरटेल, चौथे पे BSNL। LIC ने राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 2024 तक 1.25 खरब रुपए प्रस्तुत किए। भारतीय जीवन बीमा निगम ने 2024 तक 1.25 खरब लाइन ऑफ क्रेडिट को राजमार्ग परियोजनाओं को निधि देने की पेशकश की है। LIC ने एक साल में 25,000 करोड़ रुपए और 5 साल में 1.25 खरब की पेशकश की है। उधार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाले बॉन्ड के रूप में होगा। महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना को निधि देने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का उपयोग किया जाएगा। अगला हमारा पिति कृषि परिवार औसत मासिक आय 6,426 रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। कृषि मंत्रालय के अनुसार 26 जुलाई 2019 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सभी स्रोतों से पिति कृषि परिवार की औसत मासिक आय 6,426 रुपये है। यह अनुमान देश में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा अपने 70वें दौर के दौरान आयोजित कृषि सदनों के आकलन मूल्यांकन सर्वेक्षण पर आधारित है। अगला सुभाष चंद्र गर्ग पैनल ने आवासीय मुद्राओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग की अध्यक्षता वाली आवासीय मुद्रा पर अंतर मंत्रालय समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। केंद्र द्वारा गठित समिति ने क्रिप्टो करेंसी का प्रतिबंध और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के विनिमय विधेयक 2019 विधेयक का भी प्रस्ताव दिया है। भारत द्वारा जारी किसी भी क्रिप्टो करेंसी को छोड़कर सभी निजी क्रिप्टो करेंसी को भारत में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
इसने एक कानून का मसौदा भी तैयार किया जो क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा का विनियमन यमन विधेयक 2019 का उल्लंघन पर के लिए 10 साल तक के कारावास और जुर्माना का प्रावधान करता है। समूह द्वारा विस्तृत रिपोर्ट वितरित वही खाता प्रौद्योगिकी के सकारात्मक पहलू पर प्रकाश डालती है। इसने भारत में विशेष रूप से वित्तीय सेवाओं में डीएलटी के उपयोग के लिए विभिन्न अनुप्रयोगों का सुझाव दिया है। उदाहरण के लिए डीएलटी आधारित प्रणाली का उपयोग बैंकों या अन्य वित्तीय फर्मों द्वारा ऋण जारी करने, धोखाधड़ी का पता लगाने, बीमा में दावों के प्रबंधन, सापार्श्विक प्रबंधन के साथ साथ प्रतिभूति बाजार में सामंजस्य प्रणालियों की प्रक्रियाओं के लिए किया जा सकता है। अगला जून 2019 की आर्थिक घटनाएं देखते हैं हम लोग। सरकार थोक मूल्य सूचकांक के संशोधन के लिए कार्यदल का गठन करेगी। केंद्र सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2011-12 की वर्तमान श्रृंखला के संशोधन के लिए कार्य दल का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता नीति आयोग के प्रोफेसर रमेश चंद करेंगे। उद्योग और आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग आर्थिक सलाहकार कार्यालय कार्यदल के लिए नोडल कार्यालय होगा। यह आगे की जरूरी कार्यवाही के लिए इस कार्यदल की रिपोर्ट अनुशंसा पर कार्य करेगा। अगला हमारा सेबी ने डेरिवेटिव्स पर मार्जिन्स की समीक्षा के लिए पैनल का गठन किया है। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने एक पैनल का गठन किया है जो वायदा और विकल्प डेरिवेटिव क्षेत्र में मार्जिन की वर्तमान रूपरेखा समीक्षा करेगा। सेबी द्वारा गठित कार्यदल का नेतृत्व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अगला, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने भारत की जीडीपी आकलन पद्धति की मजबूती पर एक विस्तृत विश्लेषण जारी किया। प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाहकार परिषद ने भारत में जीडीपी आकलन परिप्रेक्ष्य और तथ्य नामक शीर्षक से एक विस्तृत नोट जारी किया है। आधार वर्ष 2011-12 का उपयोग करके करने वाली नई पद्धति में दो प्रमुख सुधार शामिल है। ए MCA 21 डेटाबेस का समावेशन और बी ए राष्ट्रीय खातों की प्रणाली की सिफारिशों का समावेश 2008। अगला हमारा UNCTAD विश्व निवेश रिपोर्ट 2019। विश्व निवेश रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 2018 में 6% बढ़कर 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। 2017-18 में FDI अंतर प्रवाह के लिए भारत को शीर्ष 20 मेजबान अर्थव्यवस्थाओं में स्थान दिया गया। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी द्वारा रखी गई है। अगला हमारा मत्स्य विभाग वैश्विक मछली उत्पादन में भारत का 6.3% योगदान है। मत्स्य विभाग के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है जो कि वैश्विक मछली उत्पादन का 6.3% है। चीन दुनिया में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब बात करते हैं, वित्त मंत्री ने FSDC की 20वीं बैठक की अध्यक्षता की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में आयोजित वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 20वीं बैठक की अध्यक्षता की है। FDC के बारे में बात करें तो FDC का गठन दिसंबर 2010 में किया गया था। यह एक संवैधानिक निकाय ना होकर क्षेत्रीय नियामकों का सर्वोच्च निकाय है। इसकी स्थापना रघुराम राजन समिति की सिफारिश पर की गई थी। परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं। इसमें सदस्य हैं वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ RBI के गवर्नर और सेबी अध्यक्ष और इरदा IRDAI के अध्यक्ष, PFRDA अध्यक्ष अन्य सदस्य हैं। अगला, बांग्लादेश की पहली लोह अयस्क खदान मिली है। बांग्लादेश में पहली बार दिनाजपुर के एसबपुर गांव में लोहे अयस्क खनिज अयस्क खान की खोज की गई है। यह घोषणा बांग्लादेश के भू विज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा क्षेत्र में 2 महीनों में व्यापक खुदाई के बाद की गई है। अगला, मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को IBBI में अंशकालीन सदस्य नियुक्त किया गया। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम और औद्योगिक विकास बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व प्रबंधन निदेशक बी राम को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का अंशकालीन सदस्य बनाया गया। IBBI एक दिवालिया नियामक एजेंसी है जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2016 को हुई। IBC 2016 ने
भारत में दिवालिया कार्रवाई को देखने और इसके तहत पंजीकृत संस्थाओं को विनियमित करने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। अगला, इंडियन ओवरसीज बैंक ने बैंक ऑन व्हील सुविधा की शुरुआत की है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने विजयवाड़ा के अतिरिक्त तमिलनाडु और केरल में अपने 14 शीर्ष जिलों में बैंक ऑन व्हील सुविधा की शुरुआत की है। चलिए, तो ये थे आर्थिक घटनाक्रम अर्थव्यवस्था से संबंधित।